चेतना पांडे, विभा आनंद, अर्जित तनेजा, कैसा फील हो रहा है आपको टू बी ऑन द शो? कंपनी में आके मजा आ गया. बैड कंपनी में आके तो एक्साइटिंग है, बट आई थिंक I like we all technically started off with you only, and this is the second time I'm working with you after the serial after 2.5 years. So I think it's fun. Yeah, it's exciting. Yeah. Let's start the show with a quick question answer game. Have you two timed in your life, Arjit Taneja, Vibhanand, Chetna Pandey? लड़कियाँ बिल्कुल नहीं. हम तो कभी इस तरफ देखते भी नहीं, उस तरफ भी देखते नहीं. All right, second question. If your friend's sister or brother hits on you, would you consider going ahead with it? But it depends who that is. Doesn't matter. If he's hot. Why are you doing this? Maybe, it depends on. Okay. So that means ladkiyon ka koi code nahi hota life mein. So kisi kuch bhi mil jaye, acha lage jump maar lo. Chalo, next one. Would you ever make love to the hottest stranger? Who's the hottest guy according to you in the world, Vibhanand? I'm thinking. What? Who's the hottest guy according to you in the world? Nick Bateman. Okay, Nick Bateman, ladies and gentlemen. Yeah. What? Who's the hottest girl in the world according to you? I'll say about India, Deepika. Deepika Padukone. Yeah. Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor. If you get a chance to make out with them and there is no protection, will you go ahead with it? Deepika Padukone. Ladies and gentlemen, last chance. That's okay. इसे कहते हैं लड़के इतने टर्की होते हैं. Would you perform a kissing scene with the same sex if the script demands? Starting from both of them, yes. No. You are homophobic, are you? No, it's not about being homophobic, but you are homophobic, you two. No, I'm not homophobic. I have friends who are bi and homo, and but you are an actor or to make yeah, role. But it's my personal choice. Yeah. I don't want to do it. जिसमें बोलते हैं यू हैव टू किस द सेम सेक्स, द गर्ल्स हैव नो प्रॉब्लम, बट यू हैव अ मेजर प्रॉब्लम, इट्स शोइंग ऑन योर फेस. इट्स नॉट मेजर प्रॉब्लम, बट ओनली इफ इट्स, क्या हुआ था मतलब बचपन में? पेड वे टू वेल. इफ यू पेड वेरी वेल, देन यू विल डू इट. मतलब रोल अच्छा है, फिल्म अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, लेकिन पैसा मिलेगा तो मैं वरना क्यों करूंगा? मैं जनरेशन पैसे के लिए कुछ भी करने को रेडी है. पैसे के लिए कुछ भी नहीं, अगर मूवी में इट्स एक्टिंग तो ठीक है. अदरवाइज पैसों की बात कैसे कर ली तुमने? मुफ्त में कौन मूवी करता है बेटे? जब तुम्हारे को पहली फिल्म मिलेगी ना तो मुफ्त में ही कर रहे. पहली फिल्म में मुझे ये करने को नहीं बोल. क्यों नहीं मिल सकता? इट डिपेंड्स. आई मीन गॉड, अर्जित तनेजा इज अपसेट, ही इज होमोफोबिक. प्लीज नो, होमोफोबिक नंबर वन ऑन माय शो एवर कमिंग अलाइव इज अर्जित तनेजा. हैव यू एवर बीन hit on by the same sex? No. Vipa, never? Nahin. Nahin chahi. Nahin. Oh. Seriously? Oh. Something very interesting I want to show you guys. देखो क्या होता है लाइफ में, हम कभी कभार कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जिसको हम बाद में रिग्रेट भी कर सकते हैं. आप बचपन में बहुत डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी. बिल्कुल चेतना पांडे. खेला है बचपन में डॉक्टर डॉक्टर? किसके साथ खेलती थी बताइए ना. देहरादून में हम भी थे, हमारे साथ तो कभी नहीं खेला. आप मेरे पेशेंट बन के आए नहीं कभी. अरे हाय, तुम फुल खुलेआम मारती ना लाइन, ऐसे सटल नहीं मार लिया. बट आई थिंक वेरी अमेजिंग टू सी दैट यू हैव गॉन अहेड एंड स्टिल कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ डॉक्टर डॉक्टर एंड लुक एट व्हाट यू वर ट्राइंग टू डू. व्हाट मेड यू क्लिक दिस पिक्चर एंड अपलोड इट ऑन इंस्टा? बैड डॉक्टर्स. एक तो आपके साथ आप खुद डॉक्टर है, दूसरी कौन? स्कारलेट रोज डॉक्टर है. मतलब वो पेशेंट का तो वैसे ही हाल खराब हो जाने वाला. सेम कमेंट डाउन ऑन इंस्टाग्राम, यू गाइस डॉक्टर्स, ओ माय गॉड. उस हॉस्पिटल में केवल लड़के जाएंगे, वो भी कुछ और ही इलाज कराने के. वैसे तो कोई इलाज हो नहीं रहा. यू कैन कीप दिस एज अ मोमेंटो फ्रॉम #BC. हाँ, अर्जित तनेजा, आपने कब शुरू किया था अपना काम धंधा? 16 साल. 16 साल की उम्र में? और उसके बाद इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि आपकी आंखें कभी बंद ही नहीं हो पाती, खुली रहती हैं. अब खोलनी पड़ती है आपको आंखें. क्यों? मतलब क्या सोच के लोग डालते हैं ये पिक्चर्स इंस्टा पे? क्या ही?
क्या खोलने की कोशिश कर रहे हो, क्या बिलीव है, क्या आंखें बंद हो रही? तो आंखें ही खोल रहा था मैं इसमें, या कुछ और तो नहीं खोल रहे चाह रहे थे? कुछ और खोलने का टाइम ही नहीं मिलता आज। क्या ये लो पकड़ो तुम्हारा मोमेंटो, ये हमारा इंस्टा राउंड है। अब क्या है ना कि सीरियस एक्ट्रेस जो अभी ऐसे हॉटी बनी घूम रही है, मुझे समझाना कि क्या हुआ था तुम्हारे, क्या शोषण किया है दुनिया ने तुम्हारे साथ जो तुम ये क्या है ये Shit. तुम गंजी क्यों हुई थी? शॉर्ट फिल्म की थी। क्या मतलब क्या सोचा तुमने? देखो मैंने ये इंस्टा पर नहीं डाला है पहली बात, और ऊपर से कोई शॉर्ट फिल्म की थी और उसको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। अच्छा, तो गंजी होती है तो अवार्ड्स मिलते हैं। हाँ ऑब्वियसली गंजी हुई थी मैं उसमें, असली रियल में गंजी हो गई थी तुम। कितनी अच्छी लग रही ना मैं, वाओ सिनेमैटिक से वेरी कमेंडेबल। दिस इज प्लीज पकड़ो अपने पास। क्विकली इस गेम के बारे में पता चलेगा कि तुम लोगों में कितनी नॉलेज है स्कूल या कॉलेज में जाकर। क्या 15 साल की एज में केवल तुम जो कर रहे थे वही कर रहे थे या कुछ पढ़ा भी था तुमने? और चेतना, क्या आप लड़कों को पीछे भगा रही थी, एक किसी दे रही थी, या फिर स्कूल में भी कुछ ध्यान था? और विभा आनंद, क्या केवल दिल जोड़ने में लगी थी आप या कहीं किताब भी खोल रही थी? आई वॉन्ट यू गिव मी नेम ऑफ 3 सिटीज ऑफ नेपाल स्टार्टिंग फ्रॉम चेतना पांडे। काठमांडू। यस वहां उसके बाद ही तुम फ्लैट हो गई, मैं 100% बता सकूं। रुक जाओ, बिल्कुल जा रही हो तुम सही नक्शे कदम पे। कमिंग बैक टू विभा आनंद, काठमांडू 1, काठमांडू 2, काठमांडू 3, आपकी बारी। काठमांडू, यस, भूटान। आपने पीछे छोड़ दिया लोगों को। अर्जित तनेजा, भूटान से। आप सीरियसली बहुत एक्साइटिंग हैं, आप जरूर। आई सीरियसली थॉट भूटान इज इन नेपाल। भूटान इज अगेन, भूटान इज विथ इन, इफ इट इज नॉट इन नेपाल तो भूटान कौन सी कंट्री में वो सिटी, अगर तुम्हें लगता है वो सिटी है तो? यू नो, ये दिखाता है जब बच्चे 15 साल की एज में कुकर्म कर रहे होते हैं तो उन्हें नहीं मालूम होगा कि भूटान एक खुद की कंट्री है। हमारे छात्र बांस दिए गए हैं, हमारे सामने बहुत ही यम यम लिशियस दो बाउल्स पड़े हुए हैं जिसे कहते हैं व्हिप्ड क्रीम एंड स्ट्रॉबेरी। इस गेम में दो टीम्स होंगी और दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी। बिकॉज आप विभा के साथ खड़े हैं तो आप और विभा एक टीम है और मैं और चेतना एक टीम है। आपको करना क्या है बहुत ही सिंपल है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, हर एक बाउल में 20 स्ट्रॉबेरीज हैं, आपको अपने मुंह से एक स्ट्रॉबेरी निकालनी है और वहां रखनी है। जो कोई भी सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज निकालकर उस बाउल में रख देगा वो टीम जीत जाएगी। सो आर यू रेडी टू चैलेंज द गेम ऑन? Will you? Yeah. Be able to redeem yourself? Yeah, of course. Will you? अगर गलती से स्ट्रॉबेरी नीचे गिर गई, आपको उठानी पड़ेगी स्ट्रॉबेरी और वापस बाउल में डालनी पड़ेगी। और आपके पास समय है 2 मिनट का। एंड द टाइम स्टार्ट नाउ। Arjun Taneja and Vibha. All right.